बारिश में एक्शन करना बड़ा डिफिकल्ट भी होता है और बहुत रिस्की भी होता है सपना था कि मैं तेलुगु तमिल मेन स्ट्रीम फिल्म आ, को ट्रीब्यूट दूँ ऐसा कुछ फिल्म बनाऊँ तो हर चीज़ उसने किया जिस चीज़ ने उसको प्रभावित किया था बचपन में क्या वो आपको फीडबैक देते हैं बोलते पापा यार इस टाइप का कुछ करो या इस फिल्म को लेके उनका क्या मेरी वाइफ ने फिल्म देखी है मेरी बेटी ने हमें देखी नहीं है हम लोग इसलिए देखते हैं ताकि हमको ये लगे कि भाई क्या क्या एडिट हो सकता है क्या क्या चीज़ें जा सकती हैं कहाँ है नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स मैं हूँ आपके साथ अंकित चंदेल और आज मेरे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा खास हैं और इंटरव्यू भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है मैं बात कर रहा हूँ मनोज वाजपेयी जी की और इनके बारे में दो लाइनें कहना चाहूँगा कि इन्होंने एक्टर बनने का सपना तब देखा जब सपना देखना भी गुना था और आज इनसे इनके, इनके जैसे बनना इनके जैसा एक कलाकार बनने का सपना लाखों करोड़ों युवा देखते हैं और बहुत बहुत स्वागत मैं इनका करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने एक स्पेशल सेंचुरी भी अपनी फिल्मोग्राफी में बना ली है तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्सपे तो जैसा मैंने कहा कि आपके जैसे बनने का सपना हर कोई देखता है और जब ये शुरुआत हुई थी और जब आपने शुरू किया था तब आप बता भी नहीं सकते थे किसी को कि मुझे इस तरह का जाना और काफी ज्यादा उस समय क्रिटिसिजम भी आपको फेस करना पड़ा तो भैया जी के साथ आप आ रहे हैं चौबीस मई को पहली बात तो कंग्रेचुलेशन तो सर किस तरह का आपको एक सफरनामा रहा है क्योंकि स्टार्टिंग uh, फ्रॉम ती, अभी तीस साल का आज करियर हो गया है तो वो तीस साल का सफरनामा तो किस तरह का आपने अप्स एंड डाउंस भी देखे उसमें आपको रिजेक्शन्स भी मिली हसल अभी भी जारी है अभी भी आप हासिल कर रहे हो तो किस तरह सफरनामा कैसे देखते हैं सर जर्नी को मैं तो चमत्कारिक मानता हूँ अपनी पूरी यात्रा को आ, पता नहीं ये सिनेमा में तीस साल कैसे निकल गए ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी दस फिल्म भी कर पाऊँगा और आ, जब दस फिल्म भी कर ली तो उसके बाद की यात्रा भी बड़ी आ, कठिन रही आ, बहुत कम ऊपर और ज़्यादातर जो है ज़मीन पे, आ, तो ठोकरे खा खा के सीखी है हम लोगों ने और, और यहाँ तक पहुँचा हूँ तो लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि बड़ा इजी था बहुत ही तकलीफ भरा था और अभी भी जो है एक अलग तरीके का संघर्ष जारी है और मेरे ख़्याल से आ, वो संघर्ष को मैंने अब अपना लिया है अब अब वो मेरे जीवन का हिस्सा हो चुका है तो अब जब आप मान लेते हो अपने किसी किसी आपके हिस्से में कुछ दर्द हो रहा हो किसी बदन के हिस्से में कुछ समय के बाद आप उसकी आदि हो जाते हो और उसके साथ जीना सीख जाते हो तो हमारे लिए भी है जब भी हम कोई जो काम हमारे दिल के करीब होता है उसको जब करना चाहते हैं तो उसमें रुकावटें बहुत आती है। उसमें हैं उसमें चैलेंजेस चुनौतियाँ बहुत होती हैं और उसको करते हुए हम आगे बढ़ते चलते हैं क्योंकि अब लगता है कि चुनौतियाँ जो है हमारे जीवन का हिस्सा है बिल्कुल तो सर पहले आना चाहूँगा ट्रेलर भी बहुत ही कमाल का ट्रेलर है ऐसा नहीं कि मैं आपके आगे बैठा रहा हूँ ऐसे बोल रहा हूँ एज ऑडियंस बन के मैं बोल रहा हूँ काफी बेहतरीन ट्रेलर है और वर्ड ऑफ माउथ अपने आप ही जी. एक काम कर रहा है कि आप खामा कहाँ ये प्रमोशन कर रहे हैं अपने <laughs> आप जो है लोगों को पसंद आ रहा है और काफी अच्छा <laughs> रिस्पॉन्स में मिल रहा है तीन मिनट तीन सेकेंड का ट्रेलर है और लास्ट तक बांध के रखता है और मजबूर करता है लोगों को कि आप खुद आके देखो तो एक सस्पेंस आपने कहना क्या क्रिएट किया और लोगों में अपनी एक जो नया आपका अवतार आ रहा है इसकी जगह खुद ही क्रिएट किया तो इसके रिस्पॉन्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर मतलब जब मैं बता रहा हूँ आपको कि लगता है है कि ऊपर वाला हम लोगों के साथ है और जैसा आपने कहा कि अपने आप ही लोग आ, ट्रेलर की तरफ और टीजर की तरफ गाने की तरफ बाग का करे जा जितना इन्होंने सफल बनाया है आ, उन सब चीजों को और जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां वहां हर व्यक्ति जो है भैया जी के बारे में बात कर रहा है तो और वो कह भी रहा है कि मैं तो अकेले नहीं जाऊँगा मैं तो अपने परिवार को लेकर जाऊँगा अपने दोस्तों को लेके जाऊंगा तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑडियंस मन बना रही है धीरे धीरे कि वो आ, वो इस फिल्म के साथ है बिल्कुल ये फिल्म मेरी नहीं उनकी है तो वो मुझे वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा ये, है ये ये बिल्कुल सर ये फिल्म हमारी है और हम आपके हैं <laughs> और आप हमारे हैं तो सर इस पर कहानी पे आना चाहूंगा इसका ये। क्योंकि पहली जो एक कहानी थी आपके दिमाग में थी जब आपने सो, क्योंकि आपने आपका बहुत मन था इस फिल्म पे काम करने के लिए क्योंकि आपने पेपर कटिंग में एक पढ़ा था इस इंसिडेंट इंसिडेंट के बारे में तो उसके बाद आपने प्रेरणा ली कि इस पर एक फिल्म बनाई जाए राइटर ढूंढा जाए फिर अपूर्व जी के बाद बंदा के बाद आपने दोबारा उनके साथ सेकेंड प्रोजेक्ट आ रहा है और एक और आने वाला है तो ये पूछना चाहूँगा कि किस तरह से आपने सोचा और उसके आप को प्रोड्यूसर भी हैं इसमें तो उसके लिए भी एक मुबारक तो ये पूछना चाहूँगा कि किस तरह कहानी डेवलप हुई क्या कैसे कैसे प्रोसेस हुआ पूरा देखिए उसके बाद इन लोगों ने अपूर्व और मेरी कहानी तो थी लेकिन अपूर्व और दीपक किंगरानी जो राइटर हैं उन्होंने वो इसी कहानी को एक अलग ढंग से रिफरवि हाँ रिफरविश किया तो जो मेरी एक्चुअल कहानी थी वो मेरे पास अभी भी है वो मेरे को पता क्योंकि उन्होंने रिफर्विश कर दिया उसको लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये कहानी उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो गई दीपक किंगरानी और अपूर सिंह कारकी के लिए लेकिन अंत में जो उन लोगों ने लिखा जो रूप दिया उन लोगों ने वो वाजिब था क्योंकि मैं मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो बिहार की कहानियाँ मेरे दिमाग में आएंगी लेकिन उनके दिमाग में जैसे वो छत्तीसगढ़ के दीपक किंगरानी हैं अपूर सिंह कारकी नानी तलका है तो दोनों अलग अलग ढंग से उस कहानी को देख रहे थे जो कि बहुत ही वाजिब है और बहुत बिलीवेबल भी है है हाँ ना तो इसलिए मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया है जब आप कहानी दे चुके हो तो उसके बाद भूल जाना चाहिए कि वो डायरेक्टर और राइटर किस तरफ इसको लेके जाना चाहते हैं Uh, सर बहुत ही अच्छी कहानी बनी है और आप इस तरह की कहानी मैं तो करूँ और सोचते रहिए और देखते रहिए और ऐसी <laughs> कहानी और लेके आइए अगला मेरा सवाल है सर चैलेंजेस इस रोल को लेके क्योंकि आपने नाइन्टी इसमें एक्शन किया है तो और इससे ज़्यादा ये भी कहना चाहूँगा एस विजय सर जो है जिन्होंने जो कहा उनकी वजह से उसके अगर वो नहीं होते तो ये नहीं हो पाता आपकी नी में भी इंजरी आपकी बैक लोअर बैक और यहाँ पे भी इंजरी आई है तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल रहा है इसको करना और इतने टाइम बाद आप एक्शन कर रहे हो आपने काफ़ी साल पहले किया था अब दोबारा से इस उम्र में करना तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स आई होंगी तो तो बारिश में आपको मतलब सुबह सुबह देते थे पूरा तो वो पूरा क्या क्या चैलेंजेस थे पूरे एक्शन के दौरान तो आपने सारी बातें आपने बताई दी जैसे बारिश में एक्शन करना बड़ा डिफिकल्ट भी होता है और बहुत रिस्की भी होता है उसमें कुछ भी हो सकता है उसमें और फिर उसमें टांगे जो है मूव करना बंद कर देती हैं क्योंकि आपको कपड़ा आपके टांग से चिपकता है तो कई सारी चुनौतियां उसके चार दिन तक जो है बारिश में एक्शन करने के और कहीं भी फिसल सकते हैं कहीं भी चोट लग सकती है आ, किसी का भी टाइमिंग ख़राब हो सकता है आ, उसमें तो चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ थी एक्शन सिक्वेंस जो इंटरवल ब्लॉक का था उसके बाद एक रेलवे यार्ड का एक्शन है तो बोगियाँ ही बोगियाँ हैं उसमें आपको कूदना ऊपर दौड़ना छलांग मारना वहाँ से सही जगह लैंड करना सही जगह लैंड करना तो कई सारी चीज़ें फिर क्लाइमेक्स का जो जो एक्शन है वो एक अलग ही ढंग से जिसमें मेरा गर्दन खिंच गया वो विजन सर हर बार हर दिन कुछ न कुछ आ, बड़ा में बड़ी चुनौती मेरे सामने रख रहे थे और मैं भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना करता था भगवान बस ये कर जाऊँ मैं आज का दिन निकाल दूँ किसी तरीके से लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे एक दिन की भी कैंसिलेशन नहीं हुई एक्शन के एक्शन में जबकि हमारा बहुत बहुत दिन का एक्शन था एक दिन का भी कैंसिलेशन नहीं था इस ओनली बिकॉज ऑफ अप समय कोई ऊपर वाला जो है हमारे ऊपर से हमें बचा रहा था लगातार और क्योंकि वो तो है ही सर क्योंकि करोड़ों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं आप प्यार बरसाते रहते हैं भगवान का भी आशीर्वाद है आ, सर ये क्वेश्चन मेरा एक और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आ, अगर बात करते हैं इससे पहले कि आपकी फिल्म थी जो बंदा है उससे बिल्कुल थ्री डिग्री फ्लिप का ये पूरा करेक्टर है तो मैं आगे इस पर भी पूछना चाहूँगा कि जब आपको इसमें और भी आगे ओ टी टी आपको जाना चाहते हो क्योंकि ओ टी टी आप मतलब ये है कि अगर मनोज वाजपेयी हैं आप सर लगातार ओ टी टी भी राज कर रहे हो आप अब क्योंकि आप ये कह रहे हो मेन स्ट्रीम में अब मैं आया हूँ पहले मैं नहीं आया था तो मेन स्ट्रीम और अभी सिनेमा को अब क्या देखते हैं कि रेवोल्यूशन कोई हुआ है क्योंकि रिवॉल्व होता है जो सिनेमा हर चीजें इवॉल्व होती रहती हैं मेन स्ट्रीम में, में तीन चार फिल्में हार्ड कोर मेन थी जैसे राजनीति थी, थी जैसे सत्य में जय थे बागी टू। इस तरह इस तरह तर की फिल्में कुछ एक मेन स्ट्रीम फिल्म एक दो नेगेटिव के तौर पर मैंने तमिल में और तेलुगु में भी किया हुआ आइडिया तो हमेशा से रहा है और वो मेन स्ट्रीम फिल्म देख करके ही बड़े हुए हैं तो आइडिया तो हमेशा से था कि मेन स्ट्रीम जॉनर को कैसे आपको डील करना है किस तरह की ज़रूरत वहाँ किस तरह की तैयारी उसमें काम आएगी आ, लेकिन पूरा फुल फ्लेजेड मतलब नायक का रोल करना और पूरी फिल्म को अपने कंधे पे उठा के चलना ये पहली बार हुआ बिल्कुल और पहली बार ये भी हमने देखने को मिला कि देसी सुपरस्टार मनोज वाजपेयी वो जो पूरा एक इंट्रो में हालांकि आपको पता नहीं था कि ये होने वाला है और एम बी हंड्रेड का भी इसमें डाल ये, रखा ये, है तो ये, ये साउथ में हमने देखा इस टाइप अलू अर्जुन और उन तमाम फिल्मों में आता है तो आपको अपूर्व जी ने बताया नहीं था उन्होंने पहले बताया था फिर आपने मना कर दिया था उसके बाद उन्होंने बिना दिखाया आपको डाल दिया तो उसमें फिर आपका क्या रिएक्शन जब आपने दोबारा फाइनल मतलब अंत में जब आया मेरे पास में अब अब बस ट्रेलर आने वाला है उसके बाद मुझे अपूर्व सिंह ने भेजा ये देख लीजिए तब तक जो है गाड़ी निकल चुकी थी <laughs> क्योंकि अब अगर मैं बोलता नहीं निकालो तो फिर हम ट्रेलर समय पे रिलीज नहीं कर पाते तो ये अपूर सिंह कार्की का एक विजन था उसका एक सपना था कि मैं तेलुगु तमिल मेन स्ट्रीम फिल्म को ट्रिब्यूट दूँ ऐसा कुछ फिल्म बनाऊँ तो ये कहानी जब उसको मिली तो उसने एकदम से ले लिया और उसको उसी वो जो एलिमेंट्स हैं कि वो लोग अपने स्टार को प्रेजेंट करते हैं पावर स्टार स्टाइल स्टार इस तरह से कुछ करके करते हैं वो मेगा स्टार मेगा पावर स्टार <laughs> ऐसे करके करते हैं तो अपूर्व का था कि मेरे भी फिल्म का जो है मैं अपने प्रेजेंट करूंगा अपने हीरो को इस कुछ किसी न ना किसी नाम से तो ये नाम उसी ने सोचा अपूर्व सिंह कारगिल ने एम बी हंड्रेड कहा कि नहीं एम बी हंड्रेड सर क्योंकि वहाँ पर भी जो हंड्रेड पे इस तरह से हीरोज़ के इनिशियल लेके करते हैं तो ये सारा अपूर्व सिंह कार जो है अपना सपना जी रहा था इस फिल्म के लिए बिल्कुल तो हर चीज़ उसने किया जिस चीज़ ने उसको प्रभावित किया था बचपन में बिल्कुल आ, सर आ, आपकी जो बेटी हैं हैं तो हाँ। उनको आपकी बंदा फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी तो ये फिल्म भी उन्होंने देखी ली होगी और मैम प्रोड्यूसर भी हैं उन्होंने भी देखी ली होगी तो जो वाजपेयी टेबल है उस पर क्या बातें होती हैं क्या वो आपको फीडबैक देती हैं बोलते पापा यार इस टाइप का कुछ करो या हाँ। इस फिल्म को लेकर उनका क्या देखी है मेरी बेटी ने लेकिन मेरी वाइफ ने देखा था जब अनपॉलिश वर्जन था क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में चल रहा था एडिटिंग के बाद देखा था उसमें तो साउंड भी नहीं लगा है। होता है बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हम लोग इसलिए देखते हैं ताकि हमको ये लगे कि भाई क्या क्या एडिट हो सकता है क्या क्या चीज़ें जा सकती हैं कहाँ पर लेंथ कम हो सकता है तो उस उस लिहाज से हमने देखा था लेकिन उसी समय ये फिल्म बहुत पकड़ रही थी बहुत ज़्यादा पकड़ रही थी तो अपने अपने सुझाव दे करके लोग चले गए मेरी वाइफ को अच्छी भी लगी थी बहुत अच्छी लगी थी फिल्म और फिल्म बहुत अच्छी बनी है अब जब फाइनल सब हो चुका है तो जो लग रहा है वो तो दर्शक जाके अनुभव करेंगे नहीं बिल्कुल चौबीस मई को आपको सर पता चल जाएगा अपने आप आखिरी मेरा एक सवाल आपसे मैं आपसे कॉलेज में भी मिला था जैसे मैं आपका जिक्र अपना बता रहा था तो मैं पूछना चाहता हूँ सर कि उस टाइम भी आप वैसे ही थे अभी भी आप वैसे हो तीस साल हो गए हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं मतलब देसी सुपरस्टार आप हैं ठीक मतलब अपनी आप, आप हाईएस्ट पीक पे हैं अभी हासिल और भी कर रहे हैं लेकिन सर आपके अंदर वो सुपरस्टार वाली या ऐसे कोई मतलब ऐसे मुझे लग रहा है कि अपने बड़े भाई के साथ ही मैं बैठा हूँ तो सर इतना हम्बल इतना काम कैसे आप खुद को कैसे रखते हैं मतलब कभी आता नहीं कि हाँ मैं स्टार हूँ जी ऐसा वाला फील मुझे ये फील नहीं आता तीस साल काम करते हुए हो गए जीवन और करियर जो है बहुत आसान नहीं रहा है तो और जिस परिवार से आता हूँ वहाँ पर उस वहाँ पर परवरिश हमको इस तरीके से दी गई है जिसके कारण मैं जैसा हूँ वैसा हूँ अभी भी मैं आपके साथ आ, मुझे अच्छा लगेगा कि हम बंगाली मार्केट जाएं और नत्थों के छोले भटूरे खाएं, खड़े होकर के मुझे उस ज़िंदगी को खोना नहीं भी है। कभी भी मुझे ज़िंदगी के सच्चाई के साथ रहना है मुझे किसी बुलबुले में नहीं रहना है कभी ये हमेशा से था मुझे मैं क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ और जिस जिस तरह के यथार्थ से मैं मैं को मैं देखता हूँ या जिसमें रहा हूँ उससे मुझे बहुत प्यार है बिल्कुल मैं अपना काम करता हूँ और वापस से फिर मैं बंगाली मार्केट में खड़े होकर पान खाना चाहता हूँ अब मुझे सिर्फ़ एक अभिनेता के तौर पर देखें मेरे काम की प्रशंसा करें बस यही चाहता हूँ बिल्कुल सर इसीलिए आप मेरे और करोड़ों लोगों के फेवरेट हैं और इंस्पिरेशन भी हैं तो सर मैं लास्ट में एक दरख्वास्त करूँगा कि आप एक अपील कर दीजिए ऑडियंस को कि चौबीस मई को फिल्म जाके देखें और अपने स्टाइल में भैया जी वाले स्टाइल <laughs> भैया जी वाले <laughs> नमस्कार मैं हूँ मनोज वाजपेयी और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पर चौबीस मई को भैया जी देखिए अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में उसके लिए नरसंहार नहीं होगा बस निवेदन है बिल्कुल तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मनोज वाजपेयी सर तो बहुत बहुत बो स्वागत है धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए तो दोस्तों इस खास इंटरव्यू में इतना ही और फिल्म 24 तारीख को आपको सबको फिल्मी नज़दीकी सिनेमा सिनेमाघरों दूर के जो भी आपके पास आप जाके देख सकते हैं <laughs> और अपनी फैमिली के साथ जाएँ फिल्म को इंजॉय करें चौबीस मई को भैया जी आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में कैमरा पवन के साथ अंकित चंदेल न्यू दिल्ली धन्यवाद